Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Pranav Sharma, and if you are new to this channel, I'll be very happy if you take a moment and subscribe my channel below. So dosto, I am back again to share one more recipe with you, and today I am going to share a recipe of rajma masala, जिसे किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। राजमा के अंदर फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और न्यू दिल्ली में बहुत पसंद करके खाया जाता है। यहाँ तक कि आपको राजमा चावल न्यू दिल्ली में स्ट्रीट फूड पर बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी होता है और साथ के साथ बहुत ही हेल्दी होता है। तो आइए बिना समय ज़ाया करे शुरू करते हैं राजमा मसाला बनाना प्रणव के स्टाइल में। सो दोस्तों, राजमा बेसिकली तीन तरह के होते हैं, जम्मू राजमा, चित्रा राजमा और रेड राजमा। मैंने जो राजमा लिया है वो है चित्रा राजमा, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। अब ये तैयार हो चुका है। अब हम इसमें प्रेशर कुकर की हेल्प से इसमें कुछ विसिल लगाकर इसको कुक करेंगे। सो दोस्तों, राजमा को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है प्रेशर कुकर में, साथ ही उसमें ऐड किया है वाटर। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, जिससे कि हमारा राजमा जो है वो जल्दी कुक हो जाएगा और इसके टेस्ट में भी थोड़ा इजाफा होगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और मिक्स करेंगे। एंड देन दोस्तों, हमें इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप एक विसिल आने के बाद गैस को सिम कर दें और फिर उसको 7 से 8 मिनट तक सेम प्रेशर पर कुक होने दें। दूसरा ऑप्शन है कि आप गैस को हाई पे ही रखें और लगातार 7 से 8 आप विजिल आने दें। चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। दोस्तों, मैंने प्रेशर कुकर को गैस पे रख दिया है। इतने हमारा राजमा उबल के तैयार होता है। हम तैयारी करते हैं बाकी के मसाला बनाने की। दोस्तों, सबसे पहले हम तैयारी करते हैं राजमा की प्यूरी बनाने की। तो उसके लिए मैंने ये 4 बड़े लाल टमाटर लिए हैं। मैंने 1.5 इंच के अराउंड मैंने ये जिंजर लिया है और मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली हैं। इन सभी को हम रफली चॉप करके मिक्सर की हेल्प से ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बनाते हैं। दोस्तों, साथ ही मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ गार्लिक की कलियाँ। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का प्यूरी बन करके तैयार है। दोस्तों, मैंने गैस पे पैन रख दिया है और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं, जो आप पसंद करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। हमारे राजमा में कलर अच्छा आए इसके लिए हम इसमें यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च, जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है, सिर्फ कलरिंग इससे अच्छा आ जाता है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। मिक्स इट वेल। और मसाला हमारा जले ना, इसीलिए इसी समय पर हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटोज, ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक की प्यूरी। दोस्तों, प्यूरी को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं और हमें इस प्यूरी को मसाले के साथ तब तक हमको इसे पकाना है जब तक कि जो ऑयल है वो लूज आउट ना होने लगे। तो दोस्तों, हमने थोड़ा सा सॉल्ट, जब हम अपने राजमा को प्रेशर कुकर में बॉयल कर रहे थे तब भी हमने ऐड किया था, बट दैट इज़ नॉट सफिशियंट। तो हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट दोबारा से ऐड कर रहा हूँ प्यूरी में। तो प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल चुका है, राजमा हमारे अच्छे बॉयल हो चुके हैं।
दूसरी तरफ मसाले में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और धीरे धीरे ये अपना ऑयल लूज आउट भी करने लगा है। 2 मिनट हम और इस मसाले को ऐसे ही भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें अपना राजमा ऐड करते हैं। तो दोस्तों मसाले ने अपना ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है। नाउ इट इज़ टाइम टू ऐड राजमा इनटू इट। सो दोस्तों राजमा को मैंने ऐड कर दिया है। अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा गरम मसाला और फिर हमें इसे ढक करके 5 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं वो राजमा के साथ अच्छे से जज्ब हो जाए। तो राजमा को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं फ्रेश कोरिएंडर लीफ जो हमने बारीक काट करके रखा हुआ है और इसको मिक्स करते हैं और गैस करते हैं ऑफ एंड देन इट इज़ रेडी टू सर्व। इट इज़ ऑल सेट टू सर्व। सो दोस्तों राजमा मसाला इज रेडी एंड दिस इज द फाइनल लुक। आप चाहें तो इसको टॉपिंग कर सकते हैं आप कुकिंग क्रीम के साथ, बट ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है और ये आप रोटी, पराठा, लच्छा पराठा, कुलचा, नान और राइस सभी के साथ जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। राजमा मसाला बन करके हो गया है तैयार। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। एंड येस, इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ डू सो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।